हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले करते हैं काम की बात। आप में से बहुत से लोग मैसेज करते हैं और कॉल करते हैं कि आप क्लासेस लेती हैं क्या, अलग से उनको क्लासेस चाहिए होती है। तो पहली बात, मुझे इतना टाइम नहीं होता है, और दूसरी बात, आपको ज़रूरत भी नहीं है क्लासेस की, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पर मैंने 100+ वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो उनके अलग अलग वेराइटी के वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा बटन कैसे बनता है। फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे या बहुत से नए नए डिज़ाइंस आ रहे हैं मार्केट में, तो आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजिए कि आपको ये डिज़ाइन सीखना है, और मैं उसका सेम, अगर मेरे पास सेम मटेरियल हुआ तो, नहीं तो सिमिलर पैटर्न मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। और आज के वीडियो में भी हम एक बहुत सुंदर तोरण बनाने वाले हैं। एंड रिजल्ट के लिए पूरी बनी हुई तोरण कैसी दिखती है, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेडी बेस है, ये हमें चाहिए। 2 इंचेस इसकी चौड़ाई है और 36 इंचेस लंबाई है। 3 रिंग्स इसमें लगे इसे हैंग करने के लिए। उसके बाद ये कॉल लेस है हमारे पास, इसे जो है हमें बेस के ऊपर यहाँ पर पेस्ट करना है। आप चाहे तो इसे हैंड स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से ग्लू डालकर और इसे हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। ऊपर की तरफ देखे, इस तरह से हमें चिपकाना है, बाहर की तरफ नहीं रह रही है ये लेस, इसके बेस के अंदर अंदर हमें इसे लगाना है। इस तरह से जो है जितनी बेस की लंबाई है उतनी दूर हमें इसे पेस्ट करना है। उसके बाद ये एक मिरर है और ये एक क्रोशिया का पेच है, रेड कलर का, पर्ल्स लगे हुए इसके साइड में। रेडीमेड ये पेच आता है, इसका बैक साइड जो है वहां पर देखिए, इस तरह से हम ग्लू लगाएंगे। आप इसे जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका फ्रंट और बैक। और उसके बाद ये मिरर जो है उल्टा हमने रखा है ताकि फ्रंट से ये सीधा दिखेगा। उसके बाद ये एक गोटा फ्लावर है हमारे पास, इसे जो है हमें इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले सिर्फ हम इसे सेंटर से चिपका देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसे हैंड स्टिच करेंगे पेच को हम गोटा फ्लावर के साथ। इस तरह से थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसके सेंटर में चिपकाएंगे। और उसके बाद ये थ्रेड और नीडल है, रेड कलर का ही मैंने लिया है क्योंकि रेड कलर इसमें है क्रोशिया जो ये हमारा पेच है इसमें। और उसके बाद इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें टेप डालना है इसमें। तो इस तरह से जो है पूरे पेच को हम इसके साथ अच्छे से स्टिच कर देंगे ताकि जब आप इसे वॉश करेंगे तोरण को तो ये निकलेगा नहीं और अच्छे से इसके साथ ये अटैच रहेगा। तो इस तरह से जो है 5-7 पूरे सर्कल में हमें इसके साथ जो है थ्रेड और नीडल घुमा लेना है। और उसके बाद बैक साइड से जो है 2-3 नोट लगाकर और इसे हम इसके साथ अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे कट कर देंगे। तो ये एक पीस है और इसी तरह के जो है 8 पीसेस हमें बनाने हैं। ये ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं। उसके बाद ये बड़ा सर्कल है गोटा का, 3 इंचेस का सर्कल है, ये हमें लेना है। और इसके सेंटर में भी पेज को हमें उसी तरह से जैसे हमने छोटे गोटा सर्कल के ऊपर इसे पेस्ट किया था, सेम वही प्रोसेस रहेगा। इसे भी हमें इसके साथ अटैच करना है। इस तोरण का DIY किट आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पेज हमें रेडी करना है। उसके बाद ये एक विजी फ्लावर है, इसे जो है हम नीचे की तरफ देखिए इस तरह से ग्लू लगाएंगे। और इसे भी आप हैंड स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो ग्लू भी गोटा टू गोटा अच्छा चिपकाएगा। और इस तरह से देखिए, हाफ इसे इसके ऊपर और हाफ इसे सर्कल के नीचे रखते हुए हमें चिपकाना है। उसके बाद ये एक रेडी लटकन है, इसे जो है हमें इसके नीचे चिपकाना है। तो जो थ्रेड है यहाँ पर हम ग्लू डालेंगे सर्कल पर, और जो थ्रेड है इसे हम इसके ऊपर चिपका देंगे। और अच्छी तरह से इसके ऊपर भी हम ग्लू डालेंगे, पहले भी हमने ग्लू लगाया था। और इस तरह से जो है ग्लू डालकर इसे हम इसके साथ फिक्स कर देंगे, अच्छे से चिपक जाता है। थ्रेड है, फैब्रिक है, सब कुछ। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे हम कट कर देंगे। तो ये जो है पेज हमें रेडी करना है, इसे हम ड्राई होने देंगे। उसके बाद ये बेस जो हमने रेडी किया था, इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर हम निकाल लेंगे। ये जो है इसका सेंटर है, रिंग जो है वो सेंटर में ही लगी होती है, फिर भी आप मेजर कर लीजिए। उसके बाद ये जो पेज हमने रेडी किया था इसे हमें इस तरह से इस पर लगाना है, हाफ से भी ज्यादा नीचे की तरफ है। और 3/4 जो इसका पार्ट है वो हमें इसके साथ चिपकाना है, लेस के नीचे नीचे ही हमें इसे रखना है। तो इस तरह से देखिए सेंटर में ये एक पेच हम चिपकाएंगे, बड़ा पेच जो हमने बनाया है।
तो इस तरह से इसने बेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो है एक साइड हम प्रिपेयर करेंगे और वैसे ही जो है हमें दूसरी साइड भी प्रिपेयर करना है। तो ये जो पैचेस हमने 8 पैचेस बनाए थे उन्हें भी हमें लेस के नीचे नीचे हाफ ये ऊपर रहेंगे हाफ नीचे रहेंगे और इन्हें जो है बेस पर चिपकाना है। सबसे पहले कॉर्नर पर हम एक पेच चिपका लेंगे और उसके बाद सेंटर से लेके कॉर्नर के बीच की जो जगह है वहां पर आप चाहे तो पहले मार्क करके और रख सकते हैं, नहीं तो अंदाजे से लगभग बराबर दूरी पर इस तरह से देखिए लगभग बराबर की दूरी पर इन पैचेस को हम रख देंगे और उसके बाद ग्लू लगाकर एकदम हल्के हल्के अगर आप चाहे तो स्टिच कर सकते हैं, इसे हैंड स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो ग्लू डालिए, ग्लू से भी अच्छा चिपक जाएगा। और इस तरह से जो है सारे पैचेस को 4 पैचेस हम एक साइड में लगा रहे हैं और सेम इसी तरह से दूसरा साइड बनेगा। इस तरह से हमें इन्हें चिपकाना, उसके बाद देखिए ये लटकन्स हैं, ये हमें लगानी है एक रेड एक येलो एक रेड एक येलो। इस तरह से जो है ये पैचेस के नीचे हमें लटकन लगानी है। एक पीस में लगाकर दिखा देती हूँ कैसे हम लगाएंगे। तो ये बैक साइड से इसे हम रखेंगे बेस को और इसे थोड़ी सी हाइट देने के लिए देखिए थ्रेड और नीडल हम लेंगे। इस तरह से थ्रेड के साथ सबसे पहले इस लटकन को हम अटैच कर लेंगे। रेडी जो है ये लटकन्स आते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छा लुक आ जाता है, हैवी लुक आ जाता है। 2 यहाँ पर 8 mm के पर्ल्स डालेंगे लटकन को हाइट देने के लिए और उसके बाद ये जो पेच है जस्ट उसके सेंटर में बेस के ऊपर जो है हम इस लटकन को अटैच कर देंगे। क्योंकि पेच जो है हमारा नीचे की तरफ निकला हुआ है इसलिए लटकन को थोड़ी सी हम हाइट दे रहे हैं और उसी के लिए हमने 2 पल्स यहाँ पर ऐड किए हैं। तो इसी तरह से जो है एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर देंगे और इसी तरह से जो है बाकी लटकन हमें लगानी है एक रेड एक येलो एक रेड एक येलो इस तरह से। उसके बाद इन पैचेस के बीच में जो जगह है वहां पर देखिए स्टार गोटा फ्लावर्स है हमारे पास, इन्हें जो है रखना है। अगर सिर्फ ये गोटा फ्लावर्स हम चिपकाएंगे तो ग्लू से चिपका सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पर्ल हम इनके ऊपर ऐड कर रहे हैं तो थ्रेड और नीडल का यूज करेंगे। अच्छे से ये फिक्स हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं वॉश करने पर। इस तरह से देखिए और एक 8 mm का पर्ल हम यहाँ पर डालेंगे ऑफ वाइट कलर का और फिर से इस तरह से देखिए इसे बेस के साथ हम अटैच करेंगे थ्रेड और नीडल से। और यहाँ पर भी जो है अच्छी तरह से बेस के साथ 2-3 नोट लगाकर इसे हम सिक्योर कर देंगे। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से देखिए, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे और इसी तरह से पैचेस के बीच में जहां जहां पर खाली जगह है वहां वहां पर हम ये स्टार गोटा लगाएंगे और लटकन के लिए देखिए रेड येलो इस तरह से लगाना है। तो कंप्लीट होने पर देखिए इस तरह की हमारी तोरण दिखेगी। एक साइड हमने वीडियो में करके देखा था, ये दूसरा साइड भी सेम। तो कैसा लगा आपको आज का पैटर्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे रिलेटेड अगर कुछ मटेरियल आपको अपने आसपास के मार्केट में नहीं मिलता है, मैं हमेशा कहती हूँ जितना होता है अपने आसपास से लीजिए, आपको शिपिंग देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ भी लिखे हुए आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपके डोर स्टेप आपको डिलीवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।